आज क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है वाई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर वाई। वाई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर वाई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, इसे कैलकुलेट करना है और डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। ठीक है, देखो कैसे करना है। सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने पर आप जानते हैं जब लॉग लिया जाता है तो पावर आगे आ जाती है, तो पावर आगे आ जाएगी, इसमें आ जाएगा एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू वाई लॉग एक्स, एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू वाई लॉग एक्स। बस अब दोनों पक्षों का अवकलन कर दीजिए आप। डिफ्रेंसिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएट करिए। इधर भी फर्स्ट और सेकंड लगेगा, इधर भी फर्स्ट और सेकंड लगेगा। यहां पर ये प्रथम ये द्वितीय, यहां ये प्रथम ये द्वितीय, दो दो फलन ना, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एक्स डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, लॉग वाई का डेरिवेटिव वन अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग वाई फर्स्ट का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा वन इज इक्वल टू, इसमें भी वही, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ वाई। हमको डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए, तो एक काम करिए कि डी डी एक्स ऑफ वाई वाले टर्म एक तरफ बाकी सब एक तरफ कर दो। तो ये हमारे पास है एक्स अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, इसको इधर ले आइए माइनस लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू बराबर के उस तरफ जाएंगे तो y अपॉन एक्स माइनस ये उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस log y। ठीक, इनमें से डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन कर लेंगे तो x अपॉन y माइनस log x, x अपॉन y माइनस log x और साथ में डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू यहां पर ये y अपॉन x माइनस log y। हमें डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए तो ये मल्टीप्लीकेशन हो जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप चाहें तो इसमें एलसीएम वगैरह ले सकते हैं, ये क्या बन जाएगा वाई माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अब इधर से ये उधर जा रहा है, इसमें अगर एलसीएम लेते तो क्या बनता, एक्स माइनस y log x अपॉन y, अपॉन y है तो ये ऊपर चला जाएगा और जो x माइनस y log x है ये नीचे आ जाएगा, x माइनस y log x। आप देखें ये डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू निकल करके आ गई, नहीं समझ आया आपको। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है कॉस एक्स टू दी पावर वाई इज इक्वल टू कॉस वाई टू दी पावर एक्स। ठीक है, इसमें भी डिफ्रेंशिएट करके हमें डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे देखो, सेम यही प्रोसीजर वहां पर भी अप्लाई करना है हमको। सबसे पहले दोनों पक्षों का क्या करेंगे, लॉग लेने पर, तो दोनों पक्षों का अगर लॉग आप लेंगे तो इधर क्या मिलेगा वाई लॉग कॉस एक्स और यहां पर जब लॉग लेंगे तो आपको मिलेगा एक्स लॉग कॉस वाई। ठीक है, वाई लॉग कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग कॉस वाई। बस अब दोनों पक्षों का
एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा और यहां पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। चलिए सॉल्व करिए। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड फंक्शन, लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट करेंगे तो क्या आएगा बताइए, माइनस टेन एक्स। याद करें अभी पिछली क्लास में बता रहे थे लॉग साइन एक्स का कॉट एक्स और लॉग कॉस एक्स का माइनस टेन एक्स। तो लॉग कॉस एक्स के लिए माइनस टेन एक्स। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग कॉस एक्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, अगेन वी हैव टू यूज द प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन लॉग कॉस वाई का क्या होगा, माइनस टेन वाई और उसके साथ डी डी एक्स ऑफ वाई क्योंकि वाई का फलन, प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग कॉस वाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन वन हो जाएगा एक्स का, छोड़ दो। अब डी डी एक्स ऑफ वाई वाले टर्म एक तरफ और बाकी जो टर्म है वो दूसरी तरफ कर दो, एक ये डी डी एक्स ऑफ वाई का टर्म है एक ये भी है, इसको लिखो इसको भी इधर लेते आओ। तो ये हमने लिखा लॉग कॉस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, बेटा जब ये टर्म इधर आएगा तो ये टर्म निगेटिव है, इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स टेन वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये ऑलरेडी इधर की तरफ है लॉग कॉस वाई और ये उधर जा रहा है, प्लस वाई टेन एक्स, टेन एक्स, ठीक। इनसे डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, लॉग कॉस वाई प्लस वाई टेन एक्स, ठीक। हमें डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए तो इसको उधर भेज देंगे हम, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग कॉस वाई प्लस वाई टेन एक्स अपॉन, ये आ जाएगा लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई, ये डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, वाई टेन एक्स प्लस लॉग कॉस वाई अपॉन एक्स टेन वाई प्लस लॉग कॉस एक्स, ठीक है। तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 करने के लिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे एक्स वाई इज इक्वल टू, एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई, एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है और एक बार फिर डी डी एक्स ऑफ वाई लाना है। क्या करा जाए बताओ, पहले लॉग लिया जाए, ठीक है, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, वैसे आप लॉग नहीं भी लोगे इसमें तो भी इसका आंसर आ सकता है, आ जाएगा ना, हाँ आप लॉग ले लोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लॉग नहीं लोगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा, लॉग लें लेकिन हम, चलो ठीक है ले लेते हैं लॉग, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, लॉग लेंगे तो इससे तो मल्टीप्लीकेशन में है, ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू, इसमें पावर आगे आ जाएगी
लॉग ई की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1, इस तरह से ये बचा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, बिकॉज लॉग ई इज इक्वल टू 1। अब हम दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन एक्स। लॉग वाई का होगा 1 अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, एक्स का 1 माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई। अब डी डी एक्स ऑफ वाई वाले टर्म एक तरफ कर लीजिए, 1 अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। इसको लिखा, इसको लिख दिया, ये 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, ये डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन करेंगे तो 1 अपॉन वाई प्लस 1 डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है तो ये लिख देंगे एक्स माइनस 1। थोड़ा ध्यान से देखेंगे बेटा, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स तो ये है, इधर से ये नंबर उधर जा रहा है तो अपॉन वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अपॉन में कौन है? वाई, तो ये ऊपर हो गया और ऊपर में कौन है? 1 प्लस वाई, तो ये नीचे हो गया 1 प्लस वाई, और यही हमारे डी डी एक्स या वाई की वैल्यू आ गई। देखो आया आंसर, ये वाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स वाई प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, आप इसे नोट कर लें, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हम, ठीक है बेटा। देखिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 द्वारा प्रदत्त फलन का अवकलज ज्ञात कीजिए, और इस प्रकार एफ डैश 1 भी ज्ञात करिए। ये इन्होंने बोला इसका अवकलज ज्ञात करो और फिर एफ डैश 1 भी ज्ञात करो। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले लॉग ले लिया जाए, ठीक। लॉग लेने पर, लॉग ले लेंगे दोनों साइड्स में तो क्या मिलेगा? लॉग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सारे मल्टीप्लीकेशन में है, सारे मल्टीप्लीकेशन में है, तो सब ये कैसे आ जाएंगे? प्लस में। तो ये क्या हो जाएगा? लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, ऐसे। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो लॉग एफ एक्स का क्या बनेगा? 1 अपॉन एफ एक्स, फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालोगे तो उसको क्या लिख देंगे? एफ डैश एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। देखो लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स हुआ और फिर इसका करोगे तो 1 ही आ जाएगा, तो मत लिखिए, ऐसे ही ये आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x। सिमिलरली दिस विल बी 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, और फिर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 का अगर आप करेंगे तो ये 4x क्यूब, ऐसे इसमें आ जाएगा 8x टू द पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, ठीक है। हमें तो एफ डैश एक्स चाहिए तो इसको उधर भेज दीजिए, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू,
एफ एक्स जाएगा और फिर ये वैल्यू लिखी जाएगी, तो वैल्यू भी लिख दीजिए, वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू वन प्लस एक्स टू दी पावर फोर इंटू वन प्लस एक्स टू दी पावर एट, और अंदर में क्या बना रहेगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस एक्स टू दी पावर फोर प्लस एट एक्स सेवन एट एक्स टू दी पावर सेवन अपॉन वन प्लस एक्स टू दी पावर एट। ये बेटा वैल्यू किसकी आ गई, एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव निकाल लिया। अब उन्होंने बोला और इस प्रकार एफ डैश वन ज्ञात करिए, एफ डैश वन ज्ञात करना है अब हमको। तो अब एफ डैश वन इज इक्वल टू एफ डैश वन अगर आपको निकालना है तो एक्स की जगह पर क्या लिख दो, यहीं पर वन, कहां पर, एफ डैश एक्स में, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आई है उसमें एक्स की जगह पर क्या लिख दो, वन। चलो लिखो, वन प्लस वन टू, वन प्लस वन स्क्वेयर कितना बनेगा वन, तो फिर वन प्लस वन टू हो जाएगा, वन टू द पावर फोर की वैल्यू, वन प्लस वन टू अगेन टू, वन अपॉन टू प्लस एक्स की जगह टू लिखोगे, टू अपॉन टू प्लस फोर अपॉन टू प्लस एट अपॉन टू, ठीक है ना, जहाँ जहाँ एक्स सब जगह वन लिख दो, टू टू ज़ार फोर टू ज़ार एट टू ज़ार सिक्सटीन इन टू वन टू थ्री फोर सेवन एट फिफ्टीन फिफ्टीन अपॉन टू टू एट ज़ार सिक्सटीन एंड फिफ्टीन एट ज़ार वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एफ डैश वन। एफ डैश एक का ये मान आ गया। नहीं समझ में आई बात आपको, तो इस तरह से हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 16, 5.5 है क्वेश्चन नंबर 16, वैल्यू 120, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस एट मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन का अवकलन निम्नलिखित तीन प्रकार से कीजिए, गुणनफल नियम का प्रयोग करके, गुणनफल के विस्तारण द्वारा एक एकल बहुपद प्राप्त करके, और तीसरा लघुगणकीय अवकलन द्वारा। यह भी सत्यापित कीजिए कि इस प्रकार तीनों उत्तर समान है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस एट मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन। अवकलन तीन प्रकार से कीजिए, पहले जिस प्रकार से करना है गुणनफल नियम का प्रयोग करके, गुणनफल नियम का प्रयोग करके, गुणनफल नियम का प्रयोग करके, देखो गुणनफल नियम का प्रयोग करके अवकलन करना है। तो इधर लिखा हमने डी डी एक्स ऑफ वाई, इधर गुणनफल नियम का प्रयोग करेंगे, तो ये क्या है फर्स्ट फंक्शन और इसे मानेंगे सेकंड। क्या फॉर्मूला रहेगा हमारा, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस एट इंटू डेरीवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस सेवन प्लस सेकेंड फंक्शन एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव करोगे तो टू एक्स माइनस फाइव, ठीक। आप इसका मल्टीप्लाई करवा लीजिए, थ्री एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करेंगे, थ्री एक्स टू दी पावर फोर माइनस फिफ्टीन एक्स क्यूब
प्लस 24x² प्लस 7x² माइनस 35x प्लस 56 प्लस 2x⁴ प्लस 14x² 18x माइनस 5 से करेंगे माइनस 5x³ माइनस 35x और माइनस 45। जो चीज़ें कैंसिल हो रही हो तो कैंसिल करते हैं, नहीं तो फिर सॉल्व कर लो। डी डी एक्स ऑफ वाई 3x⁴ और 2x⁴ 5x⁴ माइनस 15x³ और माइनस 5x³ माइनस 20x³ 24x² और 7 31x² 31 और 14 45x² बस, तो प्लस 45x² एक्स वाले टर्म्स में आओ माइनस 35x और माइनस 35x माइनस 70x और प्लस 18, तो 70 में 18 माइनस माइनस का 52x, अचर पद में 56 माइनस 45 प्लस 11, तो ये प्रोडक्ट रूल से ये वैल्यू आ गई अवकल गुणांक की। अब सेकेंड पार्ट क्या करना है, गुणनफल के विस्तारण द्वारा गुणनफल के गुणनफल के विस्तारण द्वारा एक एकल बहुपद एक एकल बहुपद प्राप्त करके इस तरह से करना है हमको। गुणनफल के विस्तारण द्वारा मतलब इन दोनों का आपस में क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई पहले मैं करा देता हूँ, कराइए। एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से करेंगे, x⁵ माइनस 5x⁴ प्लस 8x³। अब 7x को इससे करेंगे तो 7x³ माइनस 35x² प्लस 56x, फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x² माइनस 45x प्लस 72। इस तरह से सॉल्व किया या x⁵ माइनस 5x⁴ 8x³ एंड 7x³ ये बन गया 15। x³ में माइनस 35 प्लस 9 माइनस 26x², फिर x में 56x माइनस 45x 11x और प्लस 72। अब अवकलन कर देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये बनेगा d dx of y is equal to, इसका हो जाएगा 5x⁴ x⁴n का फॉर्मूला लगाएंगे ना, n x⁴n-1, इसमें 5 तो लिखेंगे, x⁴ का करेंगे 4x³, तो 5 × 4x³ तो ये बन गया 20x³ 15 और x³ का 3x² तो 15 × 3 = 45 45x² ये 26 × 52x प्लस 11 72 का कितना हो जाएगा 0। ये इस मेथड से आ गया और देखिए ये और ये आंसर अभी तक कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं।
अभी एक विधि से और करना है, लघुगणक की अवकलन द्वारा। तो आप इसे नोट करें, फिर हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। लघुगणक की अवकलन द्वारा थर्ड मेथड में करना है, तो कैसे करेंगे? इसके दोनों पक्षों का क्या लेना पड़ेगा? लॉग। तो पहले y इज इक्वल टू, नोट कर लेते हैं इसको हम, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ठीक। लॉग लेने पर पहले दोनों पक्षों का लॉग ले लेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज, ओ सॉरी, लॉग ले रहे हैं अभी, तो लॉग वाई इज इक्वल टू, ये और ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं, प्लस हो जाएंगे, तो हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 8 प्लस लॉग एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ठीक है। अब अवकलन कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग वाई का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1/y डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, इसमें लॉग एक्स का लगाओगे तो पहले 1/ एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 8, और इसका करोगे तो कितना आएगा? एक्स स्क्वेयर का 2x माइनस 5 प्लस, फिर लॉग एक्स का करेंगे तो 1/x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, और इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वेयर प्लस 7। हमको तो डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए, तो वाई उधर भेजेंगे, देन डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, वाई जाएगा फिर वाई की ये वैल्यू लिखी जाएगी, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, और इसमें लिखेंगे 2x माइनस 5/ एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 8 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 7/ एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ठीक है। अब आप इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपको फिर वही ला के दिखाना है ना, ऐसे नहीं करना होता तो वित्तीय से छोड़ देते हैं, लेकिन आपको यहाँ आज एलसीएम लेना पड़ेगा। या तो एक काम करो ना, इसको अंदर लेते चले जाओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो, थोड़ा सा मैं एक स्टेप कम करना चाहता हूँ बेटा, जब इसको आप यहाँ ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा और उसके साथ ये आ जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इंटू 2x माइनस 5 प्लस, फिर इसको जब यहाँ गुणा कराओगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ ये बच जाएगा, तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 8 इंटू 3x स्क्वेयर प्लस 7, ठीक है। और अब आप देखो, पूरा यही तो बन गया, देखिए एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इंटू 2x माइनस 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 7, वही तो आ गया बिल्कुल। तो अगर इसको सॉल्व करने से ये आया है तो उसको भी सॉल्व करने से यही आ जाएगा, फिर तो डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं हम, आप चाहें तो मल्टीप्लाई करा के कर सकते हैं। मैं आंसर डायरेक्ट लिख दूंगा 5x⁴ माइनस 20x³ प्लस 45x² माइनस 52x प्लस 11, ये डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब उन्होंने आगे बोला है
यह भी सत्यापित कीजिए कि इस प्रकार प्राप्त तीनों उत्तर समान हैं। अब तो देख रहे हैं कि इस प्रकार प्राप्त तीनों उत्तर कैसे हैं, समान है बस। तो यह लिख देंगे इस प्रकार प्राप्त तीनों उत्तर समान है, अतः इस प्रकार प्राप्त तीनों उत्तर समान है। ठीक, तो ये हमारा कौन सा नंबर क्वेश्चन कर लिया हमने, 17। 18 नंबर पे है, यदि यू वी तथा डब्ल्यू एक्स के फलन हैं तो दो विधियों अर्थात प्रथम गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति द्वारा, द्वितीय लघुगणक की अवकलन द्वारा दर्शाइए कि डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स इंटू वी डब्ल्यू प्लस यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डब्ल्यू प्लस यू वी डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। आप इसे नोट करें फिर करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 में है, यदि यू वी तथा डब्ल्यू एक्स के फलन है, ये जो यू है वी और डब्ल्यू ये तीनों ही एक्स के फलन है, और आपको बुक में जो लिखा हुआ है उसको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है देखिए, अच्छा मैं लिख देता हूँ एक बार, सिद्ध करना है डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स इंटू वी डब्ल्यू प्लस यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डब्ल्यू प्लस यू इंटू वी इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। ये आपको प्रूफ करना है, और सबसे पहले गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति द्वारा करना है। तो फर्स्ट गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति द्वारा, पुनरावृत्ति द्वारा देखिए बेटा, इसको लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू। ठीक, इसमें हम एक काम करते हैं कि इन्हें दो को एक फलन मान लेते हैं और तीसरे को एक और फलन मान लेते हैं। ध्यान से देखना मैं इसको कैसे लिखना चाहता हूँ, मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ, ऐसे ये दोनों को मिला के हमने एक फलन माना। तो और ये कौन सा दूसरा, तो बताइए पहला फलन कौन है हमारे पास, यू वी डब्ल्यू या और कुछ, यू वी पहला फलन है और डब्ल्यू कौन सा फलन है, दूसरा फलन है। तो फॉर्मूला याद है आपको, प्रोडक्ट रूल लगाइए, क्या होता है पहला फलन या पहले फलन का अवकल गुणांक इंटू दूसरा फलन, ऐसा ही लिख दिया जाएगा, प्लस पहला ऐसे ही लिख दिया जाएगा और दूसरे का अवकल गुणांक। तो देखो पहले का अवकल गुणांक और दूसरा वाला ऐसे ही लिख दिया मल्टीप्लिकेशन में हमने, फिर प्लस दूसरे का अवकल गुणांक किया, पहले वाला ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब बेटा थोड़ा ध्यान से देखो, आपको नहीं लगता कि यहां पर भी तो दो फलन हैं, दोनों गुणा में हैं आपस में, इनका भी डेरिवेटिव निकालना है, इनमें भी प्रथम द्वितीय लगा देंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो क्या करना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड ऐसे ही लिख दिया जाएगा, तो इसको हमने ऐसे ही लिख दिया इनटू नहीं सॉरी प्लस अब फर्स्ट ऐसे ही लिख देंगे और सेकंड का डेरिवेटिव लिखेंगे इनटू क्या है डब्ल्यू। आप देखिए फिर से एक बार, डी डी एक्स ऑफ यू इनटू वी प्लस यू इनटू डी डी एक्स ऑफ वी, और डब्ल्यू मल्टीप्लीकेशन में था तो वो लिखा रहा, प्लस यू इनटू वी इनटू
डी डी एक्स ऑफ डब्ल्यू, आप इसे सॉल्व करोगे, आप डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करोगे ना आप इसको, तो ये क्या बन जाएगा, डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू, डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू प्लस इसमें यू इंटू डी डी एक्स ऑफ वी इंटू डब्ल्यू प्लस यू इंटू वी इंटू डी डी एक्स ऑफ डब्ल्यू। देखो यही चीज लानी थी आपको, ये हमारे क्वेश्चन का राइट हैंड साइड हो गया। समझ आया कि नहीं आया? दो जगह हमको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ा है, एक तो शुरुआत में ही लगाना पड़ा था जिसमें हमने इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया था, इसको फर्स्ट फंक्शन, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो क्या हुआ, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। फिर ये खुद दो फलन है आपस में गुणा में, इनमें भी वही रूल लगाया, इसके बाद ये फर्स्ट और ये सेकेंड बन गया, तो डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस डी डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसके बाद बस मल्टीप्लाई करवा दिया है, सीधे सीधे ये रूल निकल करके आ गया। अच्छा, इसमें एक सेकेंड मेथड भी दे रखे हैं कि उससे भी इसको करके दिखाओ, कौन सा, लघुगणकीय अवकलन द्वारा। तो लघुगणकीय अवकलन द्वारा करेंगे तो ये लिख देंगे पहले u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, ठीक। लघुगणकीय अवकलन द्वारा करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, लॉग लेने पर, तो ये बन जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग यू प्लस लॉग वी प्लस लॉग डब्ल्यू, मल्टीप्लाई में थे सारे के सारे प्लस में हो जाएंगे। अब अवकलन कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, वन अपॉन वाई इज इक्वल टू, सॉरी, वन अपॉन वाई और उसके साथ में डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, लॉग यू का होगा वन अपॉन यू डी डी एक्स ऑफ यू प्लस इसका होगा वन अपॉन वी डी डी एक्स ऑफ वी प्लस वन अपॉन डब्ल्यू डी डी एक्स ऑफ डब्ल्यू। अब ये वाई उधर जाएगा, एक काम कर लो वाई को सबके साथ भेज दो, गुणा में जाएगा ना तो सबके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, तो इस तरीके से डी डी एक्स ऑफ वाई बनेगा आपका, वाई यहाँ पर आएगा तो वाई अपॉन यू डी डी एक्स ऑफ यू, ये वाई यहाँ भी आएगा तो वाई अपॉन वी डी डी एक्स ऑफ वी, वाई अपॉन डब्ल्यू डी डी एक्स ऑफ डब्ल्यू। अब वाई की वैल्यू लिख देते हैं सब जगह यू वी डब्ल्यू, या आप ऐसे देख लो वाई अपॉन यू की वैल्यू क्या है, ये यू गुणा में है इधर आके भाग में आ जाएगा, तो वाई अपॉन यू कितना मिलेगा, वी डब्ल्यू। तो पहले हम इसको नोट कर देते हैं, उसके बाद देखो इसको लिखा पहले हमने और वाई अपॉन यू की जगह पर क्या लिख दिया, वी डब्ल्यू प्लस, नहीं समझ में आया, फिर वाई अपॉन वी, वाई अपॉन वी, यू डब्ल्यू बचेगा तो यू, सॉरी यू लिखेंगे और क्या लिखेंगे, डब्ल्यू, और ये तो बना रहेगा ना डी डी एक्स ऑफ वी प्लस वाई अपॉन डब्ल्यू, वाई अपॉन डब्ल्यू यू इंटू वी, तो यू इंटू वी वाई अपॉन डब्ल्यू की जगह और डी डी एक्स ऑफ डब्ल्यू,
इस तरह से डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू निकल करके आ गई। देखो, नहीं समझ में आया तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और इस तरह से हमने एक्सरसाइज 5.5 भी कंप्लीट कर लिया पूरी। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.5 तक ही रखेंगे, आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लेकिन अब नेक्स्ट क्लास पे, ठीक है। तो आज मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।